राजधानी में शुक्रवार को कमानी ऑडिटोरियम में द्रौपदी नाम के नाटक का मंचन किया गया। इस नाटक के जरिए द्रौपदी की जिंदगी के कई पहलुओं को दिखाया गया है, जो आधुनिक महिलाओं के लिए भी उतना ही सही है। ये आज की द्रौपदी है। वक्त भले ही बदल गया हो, लेकिन जिन हालातों से द्रौपदी को महाभारत काल में गुजरना पड़ा था, उन्हीं हालातों से वो एक बार फिर दो चार हो रही है। I remember when they came to get me. They told me I had been gambled away by my husband's. They grabbed me, dragged me, and tried to strip me in front of everyone, in front of a thousand eyes. ना हालात बदले हैं और ना ही मानसिकता, बस कुछ बदला है तो वो है किरदार। कहीं ना कहीं हर औरत अपने आप को द्रौपदी जैसी मुश्किलों से घिरा पाती है। हम सब में द्रौपदी है, हम सब में वो सब भावनाएं जागृत होती हैं जो द्रौपदी में कभी ना कभी जागृत हुई, कि अन्याय हो रहा है या सही तरीके से जिंदगी नहीं व्यतीत हो रही। लेकिन अक्सर हम हार मान जाते हैं कि हम सब में शक्ति है, हम सबको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन एक दूसरे से सहारा लें और अपने जीवन को और खुशहाल बनाएं। द्रौपदी नाटक का मंचन न सिर्फ आज के दौर में महिलाओं के हालातों को बयां करने के लिए किया गया, बल्कि इसमें शामिल हो गया एक नेक मकसद भी। नाटक के मंचन से जुटाए गए पैसों को ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित महिलाओं के इलाज में खर्च किया जाएगा। इंडियन कल्चर, डांस, म्यूजिक, हिस्ट्री को लेके एक ऐसी इवेंट क्रिएट किया जाए जिसका फ़ायदा एक एवरेज गरीब ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित मरीज को हो, चाहे वो उसकी दवाइयों में इस्तेमाल हो जो भी इसमें, चाहे उसको रास्ता दिखाने में हमें सहायता मिले, चाहे उसको उसके लिए पैसा नहीं हो और पैसा देने में उसका हो। द्रौपदी को ईश्वर की पांच सबसे प्यारी कन्याओं में से एक माना जाता है। उसकी पूरी जिंदगी अपने आप में एक संघर्ष है। This bottle, there are 20 tablets, and I have 10 more just in case. Is this enough so I never wake up? वक्त बदला, दौर बदला, लेकिन महिलाओं का संघर्ष आज भी जारी है। और द्रौपदी का मंचन बस यही याद दिलाने के लिए एक अच्छी कोशिश कहा जा सकता है। स्वाति रस्तोगी, दिल्ली आज तक। फिलहाल रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद है हमारी खास पेशकश राम सवारेंगे काम, बने रहिए हमारे साथ। Acidity.